हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू की इस वीडियो के आप एक नवी सीरीज स्टार्ट करांगे। पीपीएससी प्रिंसिपल हैडमास्टर बीपीओ या फिर पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए स्पैशल जीके सीरीज़ आ यह सीरीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री का लैक्चर नंबर 1 रहेगा, जिस दे विच आप डिस्कस करांगे बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी। इन्हों आप डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। उस तो बाद नैक्सट जिहड़े लैक्चर होणगे उन्हां दे विच आप सारी की सारी जी मॉडर्न हिस्ट्री उन्हां नूं डिटेल दे विच कवर करांगे। उस तो बाद आप स्टार्ट करांगे एंशियंट, और इसी तरह यह सीरीज़ है जी चलती रहेगी। यह सीरीज़ है जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बिल्कुल पेड कॉन्टेंट की रहेगी यह सीरीज़, जिहड़ा तुहानूं बहुत ज़्यादा पैसेज दे विच अवेलेबल करवाया जाता है। बट तुहानूं ओनली पंजाब आई क्यू के उपर सारी जिहड़ी सीरीज़ है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसलिए तुहानूं इस सीरीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हां तक यह वीडियो पहुँच सके। यह वीडियो है जिहड़ी पंजाब की बायलिंगुअल रहेगी, यानी कि जो स्क्रीन की भाषा है वह इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होएगी वह पंजाबी दे विच होएगी, तां कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे समझने विच। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सब तो पहला आपां नूं यही पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जिहड़ी है होई कदों सी। यह हुई सी जी 23 जून 1757 नूं। 23 जून 1757 हुई सी जिहड़ी बैटल ऑफ प्लासी हुई सी। किस किस दे विच हुई सी? यह सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव दे विच हुई सी, यानी एक ब्रिटिशर सी रॉबर्ट क्लाइव, इन्हां दोनों दे विच हुई सी। यानी नवाब ऑफ बंगाल सी जिहड़े 1757 दे विच, उह सी सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ही डिड नॉट लाइक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि सिराज उद दौला ने जिहड़े इन्हां नूं जिहड़ी ब्रिटिशर्स दे द्वारा पॉलिसीज बनाई जांदी सी, नीतियां बनाई जांदी सी, उह इन्हां नूं पसंद नहीं सी। ही फाउट बैटल ऑफ अलीपुर, इस कारण यानी कि इन्हों नीतियाँ उन्होंने पसंद ना होने करके इन्होंने एक बैटल लड़ी सी जिसका नाम सी बैटल ऑफ अलीपुर। बैटल ऑफ अलीपुर यह इन्होंने लड़ी सी 1757 दे विच, ब्रिटिशर्स दे अगेंस्ट लड़ी सी। उस टाइम इन्होंने यह बैटल जी जित ली सी, बैटल ऑफ अलीपुर इन्होंने यह बैटल जी जित ली सी। जदों इन्होंने यह बैटल जीती, इन्होंने एज अ पनिशमेंट, यानी जिहड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने यह बैटल जी लड़ी सी, उन्होंने इन्होंने सज़ा देने दे लई एक 14x18 रूम दे विच कैद करता 147 ब्रिटिशर्स नूं। एज अ पनिशमेंट इन्होंने 147 ब्रिटिशर्स नूं बंद करता 14x18 फिट रूम दे विच। ड्यू टू सफोकेशन, सफोकेशन के कारण सारे ब्रिटिशर्स नेड़े इस दे विच मारे गए, बट 23 बच गए सी, यानी 147 दे विचों बाकी सारे मर गए सी, सिर्फ 23 ही जिंदा बचे सी ब्रिटिशर। इस ट्रैजडी नूं नाम दिता गया ब्लैक होल ट्रैजडी। ब्लैक होल ट्रैजडी पूछा जाता है किस नूं नाम दिता जाता है? इस ट्रैजडी नूं ही नाम दिता जाता है ब्लैक होल ट्रैजडी। उस तो बाद रॉबर्ट क्लाइव नूं जदों इस बारे पता चलिया, यानी ब्लैक होल ट्रैजडी बारे जदों रॉबर्ट क्लाइव नूं पता चलिया, तां उहनूं उहने एक अटैक किया नवाब ऑफ बंगाल दे उपर, सिराज उद दौला दे उपर, एज आ बैटल ऑफ प्लासी, जिहनूं आपां कहिंदे आ अज बैटल ऑफ प्लासी। यह हमला किया सी किसने? किया सी यह किया सी रॉबर्ट क्लाइव ने। किस दे उपर किया सी? सिराज उद दौला दे उपर। उस तो बाद जिहड़ा रॉबर्ट क्लाइव है यह एज आ रिश्वत दिंदा है, यानी ब्राइब दिंदा है, यह रिश्वत दिंदा है मीर जफर नूं। जिहड़ा मीर जफर सी यह कौन सी? जिहड़ा मीर जफर सी यह कमांडर सी, कमांडर इन चीफ सी सिराज उद दौला दा, यानी जिहड़ा सिराज उद दौला राजा सी उसका एक कमांडर सी जिसका नाम सी मीर जफर। इसनों रिश्वत दिंदा है, यानी ब्राइब दिंदा है कि तू जिहड़ा नवाब है सिराज उद दौला उसकी हत्या कर दे। इस दे कारण इन्हें मीर जाफर एडी इसने हत्या कर दी सी सिराज उद दौला। इस दे बदले जिहड़े ब्रिटिशर्स ने उन्होंने जिहड़ा मीर जफर सी इसनों नवाब घोषित करता सी बंगाल दा, यानी इनू रिश्वत ही यह दिती सी उन्होंने कि तेनू अगला नवाब है जिहड़ा घोषित कर देंगे, तू इस जिहड़ा प्रेजेंट टाइम दे सिराज उद दौला है इसकी पावर काफ़ी सी, इसकी हत्या कर दे। तो सो इस करके नवाब सी जिहड़ा बंगाल दा कौन बन गया सी? वह बन गया सी मीर जफर, यानी मीर जफर किले दा नवाब। मीर जफर ने नवाब नूं मारता, तो जिहड़े ब्रिटिशर्स ने उन्होंने अपनी शर्त के अकॉर्डिंग जिहड़ा मीर जफर सी उसनों जिहड़ा नवाब है वह घोषित करता सी। बट इस दे विच एक गल होर सी, जिहड़ा उन्हूं कम करना पैंदा सी वह ब्रिटिशर्स के अंडर रह के कम करना पैंदा सी, इह तुहाने गल ध्यान विच रखनी है। उस तो बाद मीर मीरा,
उस तो बाद गल आती है मीर मीरा। जिहड़ा मीर मीरा है यह पुत्र सी मीर जफर का, यानी मीर जफर सी जिहड़ा कमांडर इन चीफ सी सिराज-उद-दौला का, उसका एक पुत्र सी जिसका नाम सी मीर मीरा। इसने नवाब नू मारिया सी, यानी मीर जफर सी जिहड़ा, इसने इसनू नहीं मारिया सी सिराज-उद-दौला नू, इसनू मारिया सी सिराज-उद-दौला नू मीर मीरा ने, जो कि पुत्र सी मीर जफर का। इसने नवाब नू मारता तो ब्रिटिशर्स ने अपनी शर्त के अकॉर्डिंग मीर जफर सी जिहड़ा इसनू नैक्सट नवाब घोषित करता सी बंगाल का। उस तो बाद जिहड़ा नवाब बन गया सी मीर जफर, इसने मंजूर दिती सी कि तुसी फ्री ट्रेड कर सकते हो, यानी कोई भी तुहानू टैक्स है जिहड़ा वह पे करन दी लोड़ नहीं, कोई तुहानू ड्यूटी पे करन दी लोड़ नहीं, तुसी इत्थे जिहड़ा पूरा दा पूरा फ्री ट्रेड कर सकते हो। यह मंजूर करता सी, किसने करता सी, मीर जफर ने करता सी। यह गल ध्यान विच रखनी है। उस तो बाद एक क्वेश्चन जिहड़ा पुछिया जांदा काफ़ी एग्जाम दे विच कि केड़ा ओहो परसन सी जिन्हों फस्ट नवाब घोषित किया गया सी ब्रिटिशर्स दे द्वारा बंगाल दे लई, बिहार दे लई और उड़ीसा दे लई, यानी ब्रिटिश रूल दे विच ऐसा कौन सा परसन सी जिसनों बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा तिने ही स्टेट सी जिन्हों का नवाब घोषित किया गया सी। उसका आंसर होगा मीर जफर। यह क्वेश्चन जिहड़ा काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, सो याद रखना है। उस तो बाद गल आती है बैटल ऑफ बक्सर दी, यानी बैटल ऑफ बक्सर जी यह हुई सी 12 अक्टूबर 1764 के 22 अक्टूबर 1764 हुई सी बैटल ऑफ बक्सर। इन 1760 मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, यानी 1760 ईस्वी जो मीर कासिम सी यह सन इन लॉ सी किसका, मीर जफर का, जो किंग बनाया गया सी यानी रूलर बनाया गया सी बंगाल का, इसका सन इन लॉ सी कौन, मीर कासिम। यह बन गया सी 1760 नवाब बंगाल का। उस तो बाद ही शिफ्टड हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद टू म्योंकर। आपां नूं पुछया जांदा है किसने मुर्शिदाबाद तो अपनी जिहड़ी कैपिटल है वह म्योंकर शिफ्ट कीती सी। उसका आंसर होएगा मीर कासिम। यह क्वेश्चन भी जिहड़ा बहुत बार रिपीट हुंदा है, सो याद रखना है मीर कासिम ने अपनी जिहड़ी कैपिटल शिफ्ट कीती सी मुर्शिदाबाद तो म्योंकर दे विच, ते उत्थे इसने एक फैक्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंस स्टार्ट कीती सी, यानी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी सैटअप की सी फ्रेंच पीपल के नाल मिलके, यानी कि जिहड़े फ्रेंच लोग सी, फ्रांस के लोग सी, इन्हां दे नाल मिलके एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री एस्टैबलिश की सी, जिथे हथियार वगैरह जिहड़े ये बनाने लगे सी यह इस फैक्ट्री दे विच, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दे विच। उस तो बाद ब्रिटिशर्स नेड़े उन्हां नूं पता लग्या इस बारे कि इन्हां ने इत्थे जिहड़ी एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा ली है, जिथे यह हथियार नेड़े उन्हां दा निर्माण करना इन्हां ने स्टार्ट करता। इस गल का जदों ब्रिटिशर्स नूं पता चलिया तां ब्रिटिशर्स नूं यह गल जिहड़ी हजम नहीं आई, उन्हां नूं यह गल जिहड़ी पसंद नहीं आई, ही डिड नॉट लाइक इट एंड अटैक टू द नवाब इन द बैटल ऑफ बक्सर। इस दे खिलाफ उन्होंने एक्शन लेंदे हुए उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर एज आ अटैक करता सी, किन्हां दे उपर, यह करता सी मीर कासिम दे उपर। मीर कासिम जिहड़े बंगाल दे नवाब से उस समय उन्होंने उपर इन्होंने एज आ अटैक करता सी, जिसका नाम इन्होंने रखा सी बैटल ऑफ बक्सर। उस तो बाद जिहड़ी बैटल ऑफ बक्सर है यह अलायंस सी, यानी मीर कासिम ने कल्ले नहीं लड़ी सी यह जिहड़ी बैटल ऑफ बक्सर सी, इस दे विच काफ़ी सारे होर नवाब भी सी जिन्हां ने पार्टीसपेट किया इस बैटल दे विच, बैटल ऑफ बक्सर दे विच। सब तो पहला अलायंस सी इस दे विच मीर कासिम दी, यानी सब तो जिहड़ा बड़ा दुश्मन सी ओह कौन सी, मीर कासिम अंग्रेज़ां दा। उस समय यह नवाब दा बंगाल सी, बंगाल दा नवाब सी मीर कासिम। उस तो बाद नैक्सट सी शाह आलम टू, शाह आलम टू सी जिहड़ा यह दिल्ली दा नवाब सी, यानी दिल्ली दा नवाब सी कौन, शाह आलम टू। इसने भी साथ दिता सी मीर कासिम दा। उस तो बाद एक परसन सी जिहदा नाम सी शाहजा-उद-दौला, शाहजा-उद-दौला यह अवध यूपी तो सी, यानी अवध यूपी का यह नवाब सी और लॉर्ड मुनरो दे अगेंस्ट हुई सी, यानी जिहड़ा लॉर्ड मुनरो सी यह ब्रिटिशर सी, यह तीन जिहड़े नवाब सी वह एक पासे सी बंगाल दा, दिल्ली दा और अवध यूपी दा, यह तीनों नवाब एक पासे सी, अते दूसरी साइड कौन सी, दूसरी साइड सी लॉर्ड मुनरो जो कि एक ब्रिटिशर्स दा नवाब सी। इन्हां दे खिलाफ यह जिहड़ी बैटल हुई सी, इन दिस बैटल नवाब लूज द बैटल, यानी तीन होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स नेड़े इन्ना छा गई सी उस टाइम इंडिया दे विच, इन्हां दे तीन परसन होने के बावजूद भी, तीन फौजा होने के बावजूद भी जिहड़े ब्रिटिशर्स ने इस बैटल नूं जित लिया सी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स नेड़े काफ़ी फैल चुके सी इंडिया दे विच, यानी नवाब ने अपनी जिहड़ी बैटल है यह हार गए सी, लूज़ करती सी 1765 दे विच, यानी 1765 दे विच इसका रिजल्ट बनया सी। 1765 दे विच रिजल्ट बनया कि ब्रिटिशर्स नेड़े जित गए सी और जिहड़े नवाब सी इंडिया दे वह हार गए सी, बंगाल दा, दिल्ली दा और अवध यूपी दा तिन्ना दी जिहड़ी कंबाइन फोर्स सी ये हार गई सी। उस तो बाद इस तो बाद इन्हें की किया
ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਟੂ ਨਿਜ਼ਮਤ ਐਂਡ ਦੀਵਾਨੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਔਰ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀ, ਦ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਬਾਏ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਦ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਬਾਏ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ। ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਇਨ ਬੰਗਾਲ। ਜੋ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਦੀ। ਲੋਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਬਨਾਰਸ ਐਂਡ ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਮਦਰਾਸ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਰਡ ਕੋਰਨਵਾਲਿਸ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਡਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਜੋਹਨ ਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਰ ਜੋਹਨ ਸ਼ੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ 4 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1793। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PCS ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ PCS ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1772 ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਇਹ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਲੋਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਂਸਰ? ਹੋਏਗਾ ਲੋਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਨੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਫਸਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ MCQ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਸੀ
बेंगोल, बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश रूल दे कौन बने से। तुहाडे ऑप्शन ने मीर जाफर, मीर मीना, मीर कासिम, शिराज उद दौला या फिर नन ऑफ दीज़। आंसर तुहाने इसका कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है कि बेंगोल, बिहार एंड उड़ीसा के जिहड़े नवाब बने से फस्ट वह कौन बने से ब्रिटिशर रूल के। आंसर तुहाने कमेंट बॉक्स के दसना है। नैक्सट क्वेश्चन है सैकेंड नंबर क्वेश्चन, हू स्टार्टड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगोल, यानी बेंगोल के जिहड़ा ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इसनों स्टार्ट किसने किया। ऑप्शन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस, मीर मीना, लोबर्ट क्लाइव और लास्ट है अपना ऑप्शन डी ऑप्शन सर जोहन शोर। लास्ट ऑप्शन है अपना नन ऑफ दीज। इन इसका आंसर भी तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बेंगोल के स्टार्ट किसने किया। इस दे नाल नाल तुसीं इह भी दसो इसनों अबोलिश किसने किया। इसका आंसर भी तुमने कमेंट बॉक्स के दसना है कि ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किसने किया और इसनों अबोलिश किसने किया। नैक्सट क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सैटलमेंट एक्ट ऑफ 1793 ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्होंने परमानेंट सैटलमेंट एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया इंडिया के, यह किसने एडवाइस किया, यानी एडवाइज किसने किया, एडवाइस किसने दी सी कि तुसी परमानेंट सैटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करो 1793 के। तुहाडे ऑप्शन ने विलियम बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक से जिहड़े इन्होंने एडवाइस किया, मीर मीरा ने किया या फिर वैरन हेस्टिंग्स या फिर डी ऑप्शन सर जॉन शोर। लास्ट ऑप्शन है अपना नन ऑफ दीज। इस आंसर भी तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है किसने एडवाइस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस को परमानेंट सैटलमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए 1793 के। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस नेड़े इन्होंने परमानेंट सैटलमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कितने कितने किया, यानी किस किस प्लेस के उपर किया। ऑप्शन ने बेंगोल, उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे के सारे। इसका आंसर भी तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है कितने इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट सैटलमेंट एक्ट 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नैक्सट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ बिकम द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल एंड ही अबोलिश्ड ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी फस्ट गवर्नर जनरल जो बेंगोल के बने से वह कौन बने से और उन्होंने जोड़ा अबोलिश किया ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वह कौन सी। फस्ट है वैरन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम एंटिक, लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन सर जॉन शोर या फिर नन ऑफ दीज। आंसर तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है फस्ट गवर्नर जनरल बेंगोल के कौन सी और जिन्होंने बेंगोल के ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जरा इसनों अबोलिश किया। आंसर कमेंट बॉक्स के। नैक्सट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ बिकम द फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही अबोलिश्ड सती सिस्टम, यानी फस्ट गवर्नर जनरल जो बने से इंडिया के वह कौन बने से और इन्होंने अबोलिश किया सती सिस्टम। आंसर कमेंट बॉक्स के। फस्ट है अपना ऑप्शन वैरन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम एंटिक, सर जॉन शोर या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर भी तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है फस्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने से जिन्होंने अबोलिश किया सती सिस्टम। यह छे क्वेश्चन जेहड़े जिन्हों के आंसर तुमने मैनु कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है, एक एज आ टैसट होएगा यह जिसका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम इस वीडियो को रिवाइज करना है क्योंकि यह छे के छे क्वेश्चन जेहड़े मैं तुम्हें थ्यूरी वीडियो के पहला करवा चुका हाँ, यानी इसे वीडियो के थ्यूरी वीडियो के छे के छे क्वेश्चन जोड़े थोड़े कवर ने। अगर तुम्हें इन्होंने किसी क्वेश्चन के भी रिलेटिड डाउट है तो तुम इस वीडियो को रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है। यह जी वीडियोज़ है पंजाब के PCS लैवल के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, यानी पंजाब के कोई भी एग्जाम हो, पटवारी हो, PPSC का कोई एग्जाम हो, फिर एक्साइज इंस्पैक्टर या फिर पंजाब स्टेट का कोई अदर एग्जाम, कलर्क, कोई भी एग्जाम हो जिस GK पूछी जाती है इंडियन GK, उस दे लिए यह सीरीज़ जी तुहाडे लिए काफ़ी बेनीफिशियल होएगी। इसलिए तुहाने इस सीरीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करना है ता कि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हां तक यह वीडियो पहुँच सके। यह वीडियो जी एक तरह का पेड कॉन्टेंट है, एक तरह का यह पेड कॉन्टेंट रहेगा, एक तरह का तुहाडा यह, बट तुहानू ओनली साडे चैनल पंजाब IQ दे उपर यह फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच करवाया जाएगा सारा का सारा कोर्स। बट सोडा एक काम है कि तुहाने इस सीरीज़ नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नू रिकमेंड करना है, यही तुहाडा काम है। सो इस वीडियो विच बस आपां इन्ना ही, मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। जेकर तुहानू यह वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो नू सब तो पहला लाइक करना है, शेयर करना है और अगर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नू सबसक्राइब नहीं किया है
तां चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरह की डिटेल्स वीडियोज जिहड़ियां होणगियां सब तो डिटेल्स दे विच और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होएगा, सब तो पहला तुहानूं साडे चैनल पंजाब आई क्यू दे उपर अवेलेबल करवाईआं जाणगीआं। अगर तुसी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल जिसका नाम है पंजाब आई क्यू दे नाम दे उपर आपां ने एक टैलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया होया है, उसनों ज्वाइन करना ना भुलो, उसनों ज्वाइन करो और ज़्यादा तो ज़्यादा उस टैलीग्राम चैनल में भी शेयर करो, उत्थों तुसी सारिया जिहड़ियां PDFs ने उन्हां नूं प्राप्त कर सकते हो। यह सीरीज़ आईडी तुहाडी जदों तक सारी GK वगैरह कवर नहीं होंदी उदों तक यह सीरीज़ आईडी कंटिन्यू रहेगी। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग पंजाब IQ।